जी सिंध की ओर टीम की ओर से आपका स्वागत है। आज 27 मई के एडिटोरियल, आज के एडिटोरियल में कुछ खास नहीं है, ए राइटिंग ऑफ नेहरू, इसमें मोदी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कंपेरिजन है, हमारे यूपीएससी के पर्पज से कोई काम का नहीं। चिलन ब्रुसेल नाटो की जो सबमिट होनी है उस पर है, देखने के लिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री पर्पज से पेपर वन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, नाटो का उद्भव और नाटो के विज जो सोवियत यूनियन था, जो कोल्ड वॉर था उस समय, और नाटो की क्या भूमिका है अभी, नाटो कैसे अपने आप को प्रासंगिक बना रहा है वर्तमान समय में, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, परंतु वो इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं हुआ है। रेड टेप बैरिंग, इसमें FIPB के बारे में डिस्कस हुआ है, हम इसको थोड़ा बहुत देखेंगे विद इनपुट फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। शशिकला वेब पॉलिटिकल न्यूज है, ये हमारे काम की नहीं है। द लॉस ऑफ इनोसेंस, ये जो कश्मीर में जो हुआ है उस पर टिप्पणी है, और हम मानवाधिकार कैसे हनन हो रहा है ज्यादा से ज्यादा भारत में उस पर टिप्पणी है। एक मोस्टली पॉलिटिकल टोन है, और क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, ये इश्यू यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, ये भी हमारे काम का नहीं है। हम केवल आज हिंदू से ये डिस्कस करेंगे, और एक और इश्यू जो अभी यूपी में लोअर कोर्ट का डिसीजन आया, बाराबंकी कोर्ट का, कंपनसेशन देने के लिए जो विक्टिम जेल में सजा काट चुके हैं, अंडर ट्रायल हैं, और जिनको सजा जितनी मिलनी चाहिए था उससे ज्यादा काट चुके हैं, उस पर और क्या उसके रिपरकशन है। रेड टेप हेरिंग, अब जब वर्ल्ड संरक्षणवाद की तरफ बढ़ रहा है, यूएसए यूके हम जहां भी बात करें प्रोटेक्शन की बात चल रही है, प्रोटेक्शन क्यों, जॉब्स के लिए, परंतु भारत ऐसा देश है जहां पे अभी तक संरक्षणवाद ने दस्तक नहीं दिए, और भारत अपने डोर खुले करके छोड़ रहा है विदेशी निवेश के लिए, एंड इसी में भारत को और भी जो जो दिक्कतें हैं विदेशी निवेश के लिए, जो वो भारत में निवेश करते हैं उनको दूर करना होगा। FIPB को अबोलिश करना इसी संदर्भ में कदम था। FIPB को क्यों अबोलिश किया गया, क्योंकि एज ए मिडलमैन की तरफ काम कर रहा था, जहां पे सेक्रेटरीज FDI प्रपोजल को डिस्कस करते थे विथ मिनिस्ट्रीज, तो एक अनदर लेयर बन रही थी, एक अनदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन रहा था, और यह भी इलॉजिकल भी था कि जिस मिनिस्ट्री से जो डिसीजन होना चाहिए वहां ही सॉल्व हो जानी चाहिए, वो हम एक ऊपर उससे एक गठित FIPB को दे रहे हैं। इसके अलावा रिडंडेंट भी हो गया क्या था, जब 90-95% हमारे विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ रहे हैं, इस संदर्भ में FIPB का अबोल्यूशन किया गया। ये FIPB 1990s में सेट किया गया था, इसमें इंटरमिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म था जो विदेशी निवेशक थे उनको वेट करने का, परंतु आज के समय में वो रिडंडेंट हो गया, इसलिए हमने उसको अनुमोदन कर दिया है। इसके बाद भी 11 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू अप्रूवल नहीं है, और FIPB के बाद जो नया मैकेनिज्म बना है उसमें डिपार्टमेंट को अपनी जो लाइन मिनिस्ट्रीज है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो उन लाइन मिनिस्ट्री को ये एम्पावर किया गया, ये शक्ति दी गई है कि वो अपना स्वतंत्र निर्णय ले जो उनके डोमेन में फॉल होता है, परंतु ये स्वतंत्र निर्णय, ये विवेकाधिकार भी एक तरह की हडल हो सकता है। इस संदर्भ में यह एडिटोरियल टिप्पणी करता है कि FIPB रीजन नहीं था विदेशी निवेश का कम होने का, परंतु जो कंबर्सम रूल है वो रिस्पॉन्सिबल है विदेशी निवेश कम होने का, जो विदेशी निवेश को हताश करते हैं, और वो उनको इसी कारण विदेशी निवेशक इतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसका एक उदाहरण वो देते हैं कि जो कंट्रोल की डेफिनेशन है, फॉर इंस्टेंस कंट्रोल इंश्योरेंस कैन होल्ड अप टू 49% ओनरशिप इन इंडियन वेंचर्स, बट ओनली इफ इंडियन रिटेन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ओवर दीज एंटिटीज। दिस इज एन ओवरियस डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल दैट हैज इनहिबिटेड डील मेकिंग। इस तरह की जो प्रोविजन है, इस तरह के कंबर्सम रूल्स हैं, वो विदेशी निवेश को आकर्षक नहीं बनाते हैं। इसके लिए अगर भारत को विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनना है, इस तरह के कंबर्सम रूल, इस तरह के आर्काइक लॉज, इस तरह के आर्काइक इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के लेबर लॉज, उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है FDI के लिए। और वो जरूरी भी है, जब भारत ये देख रहा है कि उसकी यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है
और उसके मुताबिक उसको जॉब क्रिएट करनी है। इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन बन सकता है, अबोलिशन ऑफ फाइपीपी वाज बोल्ड मूव बट स्टिल मोर नीड्स टू बी डन टू मेक इंडिया फैब्रिक डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई कमिंग। फाइपीपी का उन्मूलन एक सकारात्मक कदम है, परंतु भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनने के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। इसमें आप FIPP के अलावा भी और बिंदु डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपीयर हुआ है, टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिव जस्टिस सिस्टम कंपनसेशन फॉर पेल्स अरेस्ट मस्ट बी मैंडेटरी। भारत में 67% अंडर ट्रायल है, वो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केस चला ही नहीं है और वो जेलों में सजा काट रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जिस अपराध के लिए सजा मिलनी थी चाहिए थी वो उससे भी ज्यादा सजा काट चुके हैं, और ये हमारे दर्शाता है हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की मोकरी को। और इसी संदर्भ में आर्टिकल कहता है कि अगर जो मानसिक उत्पीड़न और जो मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न इस प्रोसेस में सहा गया है, वो अगर आप कन्वर्शन दे भी दें तब भी आपने जो फैमिली से जो छीना है उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। परंतु हाल ही में बाराबंकी कोर्ट ने एक अंडर ट्रायल को कंपनसेशन देने की बात कही है, यूपी सरकार के द्वारा एक सकारात्मक कदम है, और सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए न कि उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। सरकार को इसके लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए, उसी पे ये एडिटोरियल है। इस संदर्भ में यह आर्टिकल डिस्कस करता है कि राहुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 में पहली बार सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय ने कंपनसेशन की बात की थी, जब अगर आपका मानवाधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स जो है मूल अधिकार है उसका अगर हनन हो। और परंतु 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड स्टैंस लिया और जो अपराधी अक्षरधाम केस 2014 में छोड़े गए थे उनको अवार्ड देने से मना कर दिया था और कहा था कि कंपनसेशन वुड सेट ए डेंजरस प्रेसिडेंट। परंतु अहमद वनी का जो केस है 2000 का साबरमती एक्सप्रेस ब्लास्ट केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग को कहा था और सुप्रीम कोर्ट से ये केस वापस बाराबंकी कोर्ट में गया था, जहां पर बाराबंकी कोर्ट ने टफ इंस्टेंस लेते हुए स्टेट से कंपनसेशन की बात की गई और कहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिव अधिकारी इस केस को हैंडल कर रहे थे उनकी जेब से पैसा वसूला जाए। तो इसी पर ये कहता है कि यह अवार्ड एक प्रोग्रेसिव है और सरकार को इस कदम आगे सोचना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के पास अगर ये केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोएक्टिव रोल लेते हुए और अपने जजमेंट को वापस रिव्यू करते हुए कंपनसेशन ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। परंतु ये अगर आप ऑटोमेटिक कर दोगे तो जब भी कोई अपराधी छूटेगा जेल से जिसको अपराधी नहीं घोषित किया गया तो उसमें सिविल केसेस की बाढ़ आ जाएगी। तो इसके लिए जजमेंट कहता है कि ये एडिटोरियल कहता है कि न्यूजीलैंड में कंपनसेशन देने के लिए एक पॉलिसी है पेक्यूनरी और नॉन पेक्यूनरी लॉसेस के लिए, जिसकी स्टार्टिंग न्यूजीलैंड जो करेंसी है 1 लाख से स्टार्ट होती है फॉर एवरी ईयर सर्व्ड इन द जेल। इसी तरह की सरकार को भी एक ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस तरह के सिविल केसेस की बाढ़ ना आए। और ये कंपनसेशन एक वन वे है इन्वेस्टिगेटिव अधिकारी सरकार जुडिशियल सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। अगर सरकार जुडिशियल में जजेस की फिलअप नहीं करती है, इन्वेस्टिगेटिव अधिकारी इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं तो सरकार को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इस रूट से सरकार भी अकाउंटेबल होगी। और यह कंपनसेशन हम इन्वेस्टिगेटिव अधिकारी से वसूले या सरकार से, यह एक डिबेटेबल पॉइंट है, इसका रास्ता हम चुन सकते हैं, परंतु कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये प्रोएक्टिव स्टेप लेनी होगी अगर उनको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को रिफॉर्म करना है या इन्वेस्टिगेटिव पुलिसिंग का सुधार करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।